बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलते जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। श्री सदगुरु महाराज की परम श्रद्धेय गुरु जी, आदरणीय संतजन एवं ट्रस्टीजन स्वदर्शन जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की अनंत वाणी है। उन वाणियों में से एक प्रकरण जिसमें श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि यदि किसी को मेरी तरह से धर्म में लग जाए कहेंगे तो शायद लोग नहीं आ पाते, इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा मेरी तरह से आप लोग भी बिगड़ने का प्रयास करोगे तो शायद आप लोग भी मेरी तरह से धर्म यात्रा में निकल पड़ोगे। तो प्राणनाथ जी ने एक व्यंगात्मक वाणी का प्रयोग किया है, किस प्रकार से सुंदर साथ को लालायित करें और उनको किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करें, इन विषयों पर प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत 18वें प्रकरण में एक विशेष चौपाइयों को गाने का प्रयास, हमें समझाने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा गाने का गुनगुनाने का हम प्रयास करते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई मेरा बेर बरजत रे बाबा, बेर बेर बरजत रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़े कसोई, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुड़िया। मैं लाजवा
तेरी भी छूड़िया मैं तो बिगड़िया विश्व देवी छूड़िया बाबा मेरे बिगड़ आओ मत कोई मेरा मेरा पर जत हो रे बाबा मेरा मेरा पर जत हो रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई देवी छूड़िया मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी ओ कहे बाबरा मोहे मैं कहूँ दुनिया भई कहे पावरा मोहे अब तो मेरे अब तो मेरे कौन कहे पतिजे बहुत झूठे क्यों देवी छूड़िया मैं तो बिगड़िया विश्व देवी छूड़िया सतगुरु संगे में ए घर पाया दिया पार पार ब्रह्म दिखाई महावत कहे महावत कहे मैं या बिन बिगड़िया तुम जिने बिछुड़िया मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुड़िया बाबा मेरे ठिग आओ मत कोई मेरा मेरा भर जत रे बाबा मेरा मेरा भर सतगुरु महाराज की गुरु जी का आशीर्वचन तो मिलेगा परंतु उससे पहले हमें ये वाणी गायन का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए लीलाराज सागर जी का तहे दिल से सब धन्यवाद करते हैं। अब हम जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज जी का आशीर्वचन हम लेंगे और आगे हमारे जीवन में हमको किस तरीके से सेवा कार्य करने चाहिए
और समाज के कल्याण के काम कैसे करने चाहिए वो उसे समझते हैं। आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पूरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा राज राज बोलो सहारा मिलेगा कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा धीरे धीरे सहारा धीरे धीरे एकदम सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और हमारे मध्य माननीय श्री रमेश भाई भट्ट जी जो हमारे पुराने मित्र भी हैं और हमारे लीलारस सागरी जिन्होंने मधुर कंठ से एक वाणी गायन किया ये वीतककार भी हैं भागवतकार भी हैं यहाँ के सभी ट्रस्टीगण और महिला मंडल सभी युवा वर्ग मंदिर के पुजारी जी सभी सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। आज मैं प्रातः काल से ही आप सबके साथ दिन बिताने का सोच रहा था परंतु मुझे पता लगा कि आज वोट डालने का भी दिन है। मैंने कहा ऐसे दिन में प्रत्येक सुंदर साथ वोट डालने जाएं और अपने मर्जी का सरकार चुनें ये भी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश को ऊंचा उठाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए सजग रहना चाहिए। दुनिया के अंतर्गत आप देखिए कुछ देशभक्त होते हैं ना, देशभक्त जो शहीद भी हो गए। मैंने चिंतन किया एक वर्ग तो दुनिया में ऐसा है देह भक्त, अपना खाओ अपना पोषण करो
परिवार का पोषण करो, आगे पीछे कुछ सोच नहीं, कुछ विचार नहीं, कुछ भी नहीं, अपने देह में ही सीमित है, खाओ पियो आराम से रहो, बस इतना ही जीवन है, उनकी सोच इतनी ही है। और दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो दौलत भक्त बना हुआ है, धन कमाओ, अर्जन करो संपत्ति, तो सुबह से शाम तक वो धन कमाने में लगा रहता है, कमाई कमाई बोलते रहता है, व्यापार करते रहेगा, कोई दिन छुट्टी नहीं लेता है, क्योंकि उसने जीवन का लक्ष्य बनाया दौलत। एक देह भक्त निकला तो दूसरा दौलत भक्त निकला, पर तीसरा वर्ग एक ऐसा है जो देश भक्त है, वो वर्ग देश के लिए सोच सकता है, समाज के लिए सोच सकता है, मानवता के लिए सोच सकता है, अपनी संस्कृति के विषय में सोच सकता है, सभ्यता के विषय में सोच सकता है, ऐसे व्यक्ति को देश भक्त कहा जाता है। तो आज के दिन देखिए, देश ने हमें बहुत कुछ दिया, सरकार ने भी हमें बहुत कुछ दिया है ना, पहचान पत्र दिया, हम इस देश के नागरिक हैं, ये पहचान पत्र सरकार ने हमें दिया, हम जो कमाई करते हैं बैंक में रखते हैं तो पहचान पत्र की जरूरत होती है, सब कुछ सरकार ने बना के दिया, जिसके हिसाब से हम उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 साल में एक बार सरकार को वोट देने का अवसर आता है तो नागरिक उतना भी न करें, सरकार ने सड़कें बना दी, स्कूल विद्यालय बना दिए, अस्पताल बना दिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, उपार्जन के लिए बड़ी सारी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया, हमें तो अपना मत देना है ना, उसमें भी नागरिक पीछे रहे तो ये नागरिक का कर्तव्य नहीं हुआ, इसलिए ये गणतंत्र का पर्व कहते हैं ना, पर्व में जाने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए और पर्व को सफल बनाना चाहिए, जो आप लोग आज कर चुके हैं। और हम लोग दार्जिलिंग कालिम्पोंग में 26 तारीख को ही, अप्रैल 26 को ही कर चुके हैं। तो देश भक्त बनना है। और चौथा एक ऐसा वर्ग है जिसको देव भक्त कहा जा सकता है, देवी देवताओं की भक्ति करना, हम प्रणामी भी देव भक्त हैं, हमारे देव साक्षात श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, सुबह उठते ही राजी राजी बोलते हैं, धनी धनी पिया पिया हम लोग बोलते हैं, तो यह है देव भक्ति। देव भक्ति जो लोग करते हैं वही धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि धर्म से ही समाज बचता है, धर्म से ही मानवता बचती है, धर्म से ही विश्व संगठित हो सकता है, इसलिए हम धर्म के रक्षक बने, धर्मो रक्षति रक्षिता कहते हैं ना, हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म के द्वारा हमारी रक्षा होगी, इसलिए देव भक्त बनना, धर्म रक्षक बनना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। तो देखिए, ये बड़ोदरा में जब से ये मंदिर बना है, कुछ न कुछ समाज सेवा का कार्य आप लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे तो प्रणामी समाज में 800 मंदिर हैं और लगभग 800 के 800 में नहीं गए तो 600-700 सोचे, इतने मंदिर में तो मैं जा चुका हूँ। अधिकांश मंदिरों में पूजा होती है, आरती होती है, भोग व्यंजन धराया जाता है, पारायण होते हैं, प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है,
पर कुछ मंदिर और कुछ मंदिर के ट्रस्टीगण ऐसे हैं कि केवल धार्मिक गतिविधि हम में हम लोग सीमित क्यों रहें, हम समाज सेवा का भी कार्य करें, दवाखाना खोलें, गौशाला खोलें, अस्पताल खोलें, स्कूल खोलें, वृद्धाश्रम खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, कुछ करें, आए गए लोगों को जल पिलाएं, प्यासे लोगों को देखिए, छांस पिलाने वाले भी बात भी कितनी अच्छी बात है ना। छांस ऐसी चीज है कि गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आप देखिए, एक दान ऐसा है कि गरीब भी देता है, धनी भी देता है, नेता भी देता है, जनता भी देता है, और सबका मूल्य समान है। उस दान का नाम है मतदान। हरेक के दान का मूल्य उतना ही होता है। तो इसी तरह से एक पेय पदार्थ ऐसा है कि सब लोग पीते हैं, उसका नाम है छाछ। वो पिलाना भी एक धर्म है। प्यासे को जल पिलाना, प्यासे को पानी देना, भूखे को अन्न देना, भोजन देना। तो हम लोग श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो वाणी हमें दी, उस वाणी के प्रतिपालक हम लोग बने हुए हैं, अनुयायी हैं। तो हमारे परंपरा में मुझे इस मंदिर में शिविर में भी रहने का मौका मिला। वो तो अच्छा अवसर था, हम लोग टीम के साथ आए थे, मुंबई से भी काफ़ी सुंदर साथ आए थे। तब आप सबके बीच बैठ कर के 3 दिन का शिविर था, उसका आनंद लिया। उसके बाद हम लोग जागनी रथ यात्रा में आए थे, नौतनपुरी धाम से निकल करके तीनोपुरी धाम की यात्रा, फिर भारत के सारे प्रांतों की यात्रा, नेपाल की यात्रा, भूटान की यात्रा, और विदेशों में 11 देश में हम लोगों ने यात्राएं निकाली। जहाँ जहाँ प्रणामी रहते हैं, उस वक्त भी यहाँ आने का मौका मिला था, और आप सब ने बहुत दिल से स्वागत किया था जागनी रथ का। तो देखिए, प्राणनाथ जी का संदेश हम लोग विश्वभर फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि प्राणनाथ जी ने एक जगह कहा, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का रधाम। आपका काम क्या है, प्राणनाथ जी क्यों आए? तो एक जगह तो चौपाई में कहते हैं कि मेरा आने का एक ही लक्ष्य है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि संसार में भूले नहीं, माया में भूले नहीं, उनको तारतम ज्ञान दे करके परम धाम लौटाना, ये एक मेरा कार्य है। फिर दूसरी जगह कहते हैं, रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देहुरे जगाए। थोड़ा अपने लक्ष्य को और विस्तार करके प्राणनाथ जी ने कहा, मेरा आने का मकसद केवल ब्रह्म सृष्टि को जगाना नहीं है, मैं एक ऐसी रोशनी लेकर के, ऐसा प्रकाश लेकर के, ऐसे दिव्य ज्योति लेकर के आया हूँ कि ब्रह्म सृष्टि तो जगेंगे ही जगेंगे, दुनिया सारी दुनिया को भी मैं जगा दूँ कि धर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, मिलकर रहने में क्या आनंद है, बांटकर खाने में क्या आनंद है। और प्राणनाथ जी ने अपने सारे जीवन विश्व भर के धर्मों में एकता ढूंढने में लगाया। विश्व में अनेक धर्म हैं आप देखिए, और सब कोई कहते हैं हमारा ही धर्म बड़ा है, हमारे ही इष्ट बड़े हैं, हमारे ही भगवान बड़े हैं। एक ईसाई से पूछिए तो वो यही कहेगा कि हमारे गॉड जो हैं, अलमाइटी हैं, वो सबसे बड़े हैं। एक इस्लाम के अनुयायी को पूछिए तो वो कहेगा हमारे अल्लाह, हमारे खुदाई सबसे बड़े हैं। हम लोग सनातन हिंदू परंपरा में हैं तो हम लोग कहते हैं हमारे ईश्वर, हमारे परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़े हैं। इसी तरह यहूदी कहेंगे, बुद्धिस्ट कहेंगे, जैन कहेंगे, पारसी कहेंगे, और वे जितने भी हैं, सबके सब जितने धर्म वाले हैं दुनिया में, सब कहते हैं कि हमारे ही ईश्वर सबसे बड़े हैं।
प्राणनाथ जी ने कहा कि जिसको आप ईश्वर कहते हो, जिसको आप गढ़ कहते हो, जिसको आप खुदा कहते हो, वो एक ही है, मालिक सबका एक, धनी सबों का एक। विश्व भर में जितने भी धर्म हैं अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारते हैं, जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। प्राणनाथ जी ने सारे विश्व को संबोधित किया इस चौपाई के द्वारा कि अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है, कोई यहोवा करके भी परमात्मा को पुकारता है ना, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो भी नाम से पुकारे हम, परब्रह्म श्रीराज जी। पर प्राणनाथ जी का कहना है जुदे जुदे वेश अनेक, संसार में वेश का अर्थ होता है संप्रदाय, भी अलग 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 संप्रदाय बने हुए हैं। जिन कोई झगड़ो आप में, कहते हैं आपस में लड़ो मत, क्योंकि धनी सबों का एक, सबका धनी, सबका मालिक, सबका स्वामी, सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा एक है। ये बात प्राणनाथ जी ने लगभग 400 साल पहले कही, पर आज भी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, और आज भी सभी धर्मावलंबी यही कहते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है। और भी पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे सभी धर्म में पढ़े लिखे लोग हैं, पर पढ़े लिखे लोग भी ये कहने में पीछे नहीं हटते कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है। तो प्राणनाथ जी ने सब धर्मों में एकता ढूंढने के लिए प्रयास किया और सबको एक ही प्लेटफार्म में बैठाने का प्रयास किया। इसके लिए प्राणनाथ जी ने बहुत कुछ वाणी के अंतर्गत लिखा है, पर लोगों को ये बात जल्दी से समझ नहीं आती है। कोई दिन ऐसा आएगा कि प्राणनाथ जी की वाणी को ही विश्व के सारे लोग कहेंगे कि यही एक ऐसी वाणी है जिस वाणी में कोई भेदभाव नहीं है, जो सबको साथ ले करके और सबको जोड़ करके चलने वाली वाणी है। उस दिन की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं और उसी दिन के आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रचार क्षेत्र में। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें क्या क्या दिया। प्राणनाथ जी महाराज ने हमें, देखिए सबसे पहले तो ये सेवा पूजा हम लोग करते हैं ना, प्रणामी साधना क्या है? प्रणामी साधना है भक्ति साधना। योग साधना हम लोग नहीं करते, करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग करते हैं। आसन प्राणायाम यदि हम लोग करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, इतने के लिए ही हम लोग करते हैं। राज्य को पाने के लिए हम लोग सेवा पूजा करते हैं। योग के द्वारा ध्यान में हम लोग नहीं बैठते राज्य को पाने के लिए, क्योंकि राज्य को पाने के लिए हम लोग सेवा करते हैं, सेवा पूजा कहते हैं ना, क्योंकि सायंकालीन बेला है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पूजा भी होने वाली है, इसलिए हम लोग सेवा भी करते हैं पूजा भी करते हैं। और प्राणनाथ जी ने सेवा के विषय में किया, सेवा जेबो भी जो पदार्थ न थे, जान जो इले से बचन ज थके, तुम सेवा ये पाओगे पार, ये बचन धनी कहे निर्धार। देखिए सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, जान करके समझ करके उस धर्म का पालन किया जाए तो हम सेवा से ही पार पा सकते हैं। देखिए ब्रज के गोपियों ने कभी ध्यान नहीं किया, कृष्ण का ध्यान नहीं किया, पर कृष्ण की सेवा उन्होंने जरूर की, मक्खन खिला करके, मिश्री खिला करके, उनको नाच नचा करके, अलग अलग विधि से ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की सेवा की और कृष्ण उनसे रिझ गए, प्रसन्न हो गए। इसलिए हमारी वाणी में रास में कहा ना, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार। श्री देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की तो उस धाम से सबसे पहले क्या संदेश उन्होंने हमें दिया। प्राणनाथ जी कहते हैं देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना करके हमें प्रेम सिखाया, मात्र प्रेम नहीं सेवा भी। तो हम लोग सेवा पूजा हमारी साधना है, भक्ति साधना है, अलमस्त हो करके प्रेम में डूब करके हम लोग सेवा पूजा करें। और सेवा पूजा करने का जब जब भी मौका मिले ना, तो ये जीवन का एक सुखद और आनंद का क्षण है ऐसा समझें।
कभी जीवन में आरती करने का मौका मिले तो सोचना चाहिए कि राज्य पे समर्पित होने का ये सुंदर और सुखद अवसर मेरे जीवन में आया, तो खुशी से, प्रेम से, भावना से, भक्ति से, एकाग्रता से, समर्पण से हम लोग सेवा पूजा करें, अपने घर घर में सेवा पूजा हम लोग करें। और कम से कम आधा घंटा तो लगाएं, ज़्यादा एक घंटा लगे तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम आधा घंटा हम लोग सेवा में रहें और सेवा पूजा की चौपाई को समझने का भी प्रयास करें। जो चौपाई हम लोग गा रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि चौपाई में तो पुरानी हिंदी है, कहीं कहीं गुजराती भाषा भी है, उसको समझ करके, अर्थ समझ करके हम लोग सेवा पूजा करेंगे तो सेवा पूजा करने का आनंद हमारा दुगुना हो जाएगा। और राज्य के नज़दीक होने के लिए, देखिए राज्य को रिझाने के लिए राज्य की भाषा भी बोलनी पड़ती है ना। राज्य की भाषा क्या है? वाणी की भाषा, सेवा पूजा की भाषा ही राज्य की भाषा है। उस भाषा में हम राज्य को रिझा सकते हैं, इसके लिए ये सेवा पूजा हमारे लिए नित्य निरंतर करने की ये चीज़ है। और इसमें हम लोग डूबे रहें, डूब करके हम लोग सेवा पूजा करें। फिर सेवा पूजा के बाद आप देखिए, एक है मंत्र जाप, तारतम महामंत्र हमको मिला है। तो हम लोग देखिए, कई कई संप्रदाय में मैंने देखा कि दो दिन, तीन दिन, सात दिन, नौ दिन, एक महीना तक उनको ध्यान में बिठा दिया जाता है। बुद्धिज्म में भी ध्यान विधि है, जैनिज्म में भी ध्यान विधि है, संन्यास परंपरा में भी ध्यान विधि है, और बहुत सारे संप्रदाय आज जो निकले हुए हैं उनमें भी ध्यान विधि है। तो सारा दिन ध्यान में बैठा देते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसा ध्यान है कि सारा दिन ध्यान लगाने से भी आप फुल चार्ज नहीं होते। फिर कल आपको बैठाना पड़ता है, फिर परसों आपको बैठाना पड़ता है, पर हमारे में ऐसा नहीं है। आप पांच बार निज नाम का जाप कीजिए, मूल मिलावा को याद करके, आपको पांच मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पांच बार धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए तारतम महामंत्र का आप लोग जाप करेंगे, तो पांच बार जाप करने में क्या होता है, पांच मिनट का समय लगेगा, आप फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि राज्य को याद करके आपने किया। देखिए आजकल जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी आती है ना, उस गाड़ी को घर में आप चार्ज करेंगे ना, तो सारे रात आप चार्ज करिए तब जा करके बैटरी चार्ज हो जाती है। पर जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं ना, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप में बने हुए हैं, वहाँ आधा घंटा में फुल गाड़ी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, आधे घंटे में आप देखिए। तो ऐसे ही कभी कभी कुछ ध्यान ऐसे होते हैं कि सारे दिन में भी आप फुल्ली चार्ज नहीं होते हैं, आपकी बैटरी डाउन ही रहेगी, परंतु कुछ ध्यान ऐसे होते हैं कि फास्ट चार्जर कहते हैं ना। निज नाम का जाप करके पांच बार आपने जाप राज्य का किया तो दिन भर आप खुश रहेंगे, दिन भर आपको संतुष्टि मिलेगी, दिन भर आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है। इसलिए निज नाम का जाप भी हमारे लिए परम आवश्यक है। और महाप्रसाद और चरणामृत देखिए, सुबह उठ करके पूजा करके जो चरणामृत राज्य का चरण धोया जाता है, और महाप्रसाद एक तो भोग लगा करके प्रसाद होता है, एक तीर्थों का प्रसाद होता है, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अब देखिए छत्रसाल महाराज कहते हैं, महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद पा करके, चरणामृत पा करके, हो सके तो चंदन लगा करके, क्योंकि भक्ति का निशान है ना ये चंदन। चंदन क्यों सिर में लगाना? जैसे आप देखिए, एक विवाहित जो महिला होती है एक बिंदी, लाल बिंदी लगाती है और मंगलसूत्र लगाती है, बाजार में घूमने निकलती है तो सब लोग देखते ही कहते हैं ये विवाहित महिला है, विवाहित महिला है, सबको पता लग जाता है ना। इसी प्रकार से हम कंठी लगा करके, चंदन सिर में लगा करके कहीं भी जाएंगे तो ये भक्त हैं, ये सुंदर साथ हैं, ये प्रणामी हैं, अपने आप परिचय हो जाता है। किसी को बोलते हुए आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती कि हम प्रणामी हैं, आपका स्वरूप ही बता देता है और आपके सकल सूरत से ही पता लग जाता है कि आप प्रणामी हैं, आप सुंदर साथ हैं। तो देखिए
इसके साथ साथ श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन रहियो खुला दरवाजा धाम। कहते हैं हमारी बोली में मिठास हो। प्रणामी का अर्थ क्या है कि बोली में मधुरता आ जाए। जो भी हम बोले, किसी से लड़ने वाली बात, झगड़ने वाली बात, द्वंद फंद फैलाने वाली बात, ऐसे बात हम लोग क्यों करें, झमेले में क्यों पड़े। खुद बोल करके खुद झमेले में पड़ जाना, खुद टेंशन लेकर के खुद परेशान हो जाना। देखिए व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो क्रोध आने से खुद भी जलता है ना, समस्या खुद पैदा करके खुद परेशान रहना, ये प्रणामी का काम नहीं है। प्रणामी समाधान पक्ष में रहेगा, समस्या पक्ष में नहीं रहेगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसा होते हैं कि हमेशा समस्या 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 पैदा करते रहते हैं। हम ऐसे क्यों बने? हमारे पास इतनी बड़ी वाणी है तारतम सागर प्राणनाथ जी की, तो हम समाधान ढूंढे ना। इसका समाधान क्या है, इसका निराकरण क्या है, इसका उत्तर क्या है? कई कई लोग क्या है कि हमेशा प्रश्न ही करते रहेंगे, जीवन भर प्रश्न करने वाले हम क्यों बने? हम उत्तरदायी बने, एंसरेबल हम बने, हम उत्तर देने योग्य हैं, हमारे पास उत्तर है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि जीवन भर रोगी बन करके हम क्यों रहे, हम निरोग रहे। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा, सकेरे आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले तभी चौदह भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। संसार के रोग तो लगते रहते हैं, ये खान पीन से भी होता है या किसी कारण से हो जाता है। पर प्राणनाथ जी जिस रोग की चर्चा कर रहे हैं ना, वो जन्म मरण का रोग है। तो कहते हैं, हे सखी हे ब्रह्मात्माओं, एक रोग ऐसा लगा है कि जिसका न कोई औषधि है न कोई वैद्य है, दारू न मिले तभी। चौदह भवन में न पाइए, चौदह लोक में ढूंढो तो भी जन्म मरण रूपी रोग से निवृत्त करने वाला कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला। सो हुआ हाथ हबीब, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और उन्होंने आने के बाद ही इस जन्म मरण के रोग से निवृत्ति के लिए तारतम महामंत्र दिया। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो। उन्होंने तारतम ज्ञान दे करके संसार और ब्रह्म का उन्होंने परिचय करा दिया है। दूध और पानी का निवेरा उन्होंने कर दिया कि संसार एक खेल देखने का स्थान है, क्योंकि परमधाम में श्री राजजी महाराज सखियों को लेकर के 25 पक्ष में जाते थे। आज ये पक्ष दिखाया, कल वो पक्ष दिखाया, परसों वो 25 पक्ष उन्होंने दिखा दिए तिथि के हिसाब से घुमा घुमा करके। पर सखियों ने कहा, और नया और नया और नया दिखाइए। राज जी ने सोचा, रोज़ रोज़ नया खेल क्या दिखाऊं, रोज़ रोज़ नया पक्ष में क्या दिखाऊं, 25 पक्ष तो इनको बार 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 मैंने दिखा दिया, परंतु इनकी इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। तो श्री राज जी महाराज ने दिल में सोचा, पहले लई हके दिल में ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रुवन में यूं कर हुआ जोर। उन्होंने दिल में सोचा कि अब एक ऐसा खेल दिखाया जाए, एक ऐसा नाटक दिखाया जाए कि बिल्कुल परमनाम से विपरीत हो जाओ, क्योंकि परमनाम में मरण नहीं है, उस खेल में मरण होगा। परमधाम में वियोग नहीं है, उस खेल में वियोग होगा। परमधाम में अपूर्णता नहीं है, उस खेल में अपूर्णता बनी रहेगी। और परमधाम में रोग नहीं है, वहाँ रोग व्याधियाँ भी बनी रहेगी। परमधाम में मृत्यु नहीं है, वहाँ मृत्यु भी होगी। तो ये संसार की रचना करके अक्षर को आदेश दे करके, इतमा विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न, सारी सृष्टि का निर्माण अक्षर के द्वारा करा करके इस खेल में उन्होंने भेजा। और भेजने के बाद अब सखियां इस खेल में आकर के जब देखने लगे, भूल गई पूरी तरह से, विस्मृति की ये नींद आ गई, अज्ञानता की नींद आ गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि इन ब्रह्म आत्माओं को भूलने ही दिया जाए तो ये तो कभी लौट करके नहीं आएंगी, क्योंकि संसार का कर्म का खेल ऐसा होता है कि पाप से पाप बढ़ते जाता है, पुण्य से पुण्य बढ़ते जाता है।
आप पुण्य के कार्य में लगेंगे तो एक पुण्य के बाद दूसरा पुण्य पुण्य जैसे नफा होने लगे ना तो नफा 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 बढ़ते जाता है, नुकसान होने लगे तो नुकसान 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 बढ़ते जाता है ना, ऐसे एक कर्म का खेल चलता है। तो श्री राज जी महाराज ने सोचा कि कहीं ब्रह्मा आत्मा है ये जन्म मृत्यु के चक्र में चली जाए तो एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा जन्म चौथा जन्म जन्म जन्मांतर तक कभी लौट करके आने वाली नहीं है, इसलिए क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको जगाना है तो ब्रह्मवाणी का अवतरण कर दिया जाए, ब्रह्मवाणी का पठन पाठन करके ब्रह्म सृष्टि अपने आप अपने घर में लौटेंगे। तो उन्होंने ये पूरी वाणी 18,758 हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की। देखिए जब हम वाणी को पढ़ते हैं, वाणी का क्या है कि एक तो पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है, परंतु वाणी का पठन पाठन करने से ही वाणी का स्वाद आता है। आप देखिए कि भोजन आप बढ़िया से बनाइए, आप खीर भी बनाइए, चावल भी बनाइए, रोटी भी बनाइए, मिठाई भी बनाइए, सब्जियां भी दो चार बनाइए, एकदम आपने पकवान बना करके 56 भोग बना करके तैयार रखा, पर उसका स्वाद तभी आता है जब खाने लगते हैं। जब तक खाएंगे नहीं, कितना कुछ आपने बना लिया आपको 1% भी स्वाद नहीं आएगा। जब आपके मुंह में चला जाता है ना, जब खाने लगते हैं, चबाने लगते हैं, निगलने लगते हैं, तब स्वाद उसका आता है। ऐसे ही तारतम वाणी को आप सजाइए, रुमाल से सजाइए, हार लगाइए, सोने के मुकुट लगा दीजिए, आरती कीजिए, सब कुछ आप करते रहिए, भोग व्यंजन चढ़ाइए, 56 भोग लगाइए, उस वाणी का स्वाद आपको तब तक नहीं आएगा जब तक पारायण नहीं पढ़ेंगे। जब पारायण पढ़ने आप बैठ जाते हैं और धीरे धीरे पारायण पढ़ना है, एक पारायण ऐसा पढ़ना है अपने लिए, क्योंकि मंदिरों में जो पारायण होते हैं ना वो तो मंदिर के कार्यक्रम के लिए पढ़े जाते हैं ना, इसीलिए मंदिरों में पढ़े हुए पारायण में जल्दी 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 आज ये पाठ पूरा करो, आज इतना पढ़ो, ऐसे हो जाता है तो फटाफट फटाफट पढ़ते हैं तो अर्थ नहीं समझ आता है। पर एक पारायण घर में बैठ करके भले ही 1 साल लग जाए, उसमें कोई अर्ज नहीं है, आराम से हम समझ करके हम पारायण पढ़ें तो तत्काल हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है, जागने के लिए कौन सा कदम हमें उठाना है, अपने आप का मूल्यांकन करने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को सही दिशा देने का और अपने आप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस दिस धाम में लौट कर जाने का हमें उस वाणी के द्वारा, उस पारायण के द्वारा खुद ही प्रेरणा मिल जाती है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी के अंतर्गत कहा, खोटा थी खरो लीजिए अवसर ए वो आज, आ बेला अमृत घड़ी प्रमोद कहे श्री मेराज। मेराज ठाकुर के नाम से महामती प्राणनाथ जी स्वयं चौपाई में बोलते हैं कि संसार झूठा है, संसार का खेल देखिए, मिट्टी क्या है, पर मिट्टी में भी हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ से अनाज और फसल निकल आते हैं ना, खोटा थी खरा लीजिए। पन्ना में जाकर के देखिए, चट्टान ही चट्टान भरे हुए हैं ना, बड़े बड़े पत्थर हैं, पर वहाँ भी ढूंढ ढूंढ करके तोड़ तोड़ करके हीरा निकाला जाता है, खोटा थी खरा लीजिए। इसी तरह से संसार में आप देखिए, माया का खेल है, मोह का खेल है, यहाँ भी ब्रह्म को ढूंढा जा सकता है, ब्रह्म तत्व को पाया जा सकता है, असत्य में से सत्य को ढूंढना, अज्ञान में से ज्ञान को प्राप्ति करना, अविद्या में से विद्या का अर्जन करना और घुलमनी में से जाग जाना, खोटा थी खरा लीजिए। अवसर ये वो आज कहते हैं, ये अवसर हमको मिला हुआ है और ये अवसर ऐसा है, अवसर कोई चुक जाता है ना, जैसे विद्यार्थी अवसर चुक गया तो जीवन भर वो क्या होगा, लेबर बन करके रह जाएगा, पढ़ने के दिनों में विद्या पढ़ने का अवसर चुक गया तो, खेती करने वाला खेती चुक गया तो भूखा रहेगा। कोई भी आप देखिए, देखिए अभी राजनीति करने वालों का ये मौका है, इस समय प्रचार नहीं करेंगे चुक जाएंगे, हर एक का एक अवसर आता है ना, इसी तरह हमारे जीवन में भी एक जागने का अवसर आया हुआ है, इसलिए
अवसर को कभी जाने नहीं देना चाहिए, अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, अवसर को जीवन का एक हिस्सा बना देना चाहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दिन करेंगे, करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज ही करेंगे, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे, साधना में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार से हम लोग निश्चयात्मक बुद्धि लेकर के चलते हैं तो ये अवसर हमारे सामने आया हुआ है। फिर कहते हैं आ बेला अमृत घड़ी, ये जो बेला है आज जिस बेला में हम लोग जी रहे हैं ये अमृत पीने की घड़ी है। तो अमृत कहाँ मिलता है? कुछ लोग कहते हैं ना कि अमृत प्यासे आदमी को जल पिलाने दिलाने देने से अमृत पीने का अनुभव होता है। कभी कभी आप देखिए कि शहद जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती है उसको ग्रहण करने से, उसको खाने से अमृत पीने का अनुभव होता है। कभी कभी सोचते हैं कि सुंदर सुंदर फल फले हुए हैं उनका रस निकाल करके पियो तो अमृत पीने का अनुभव होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये तो भौतिक अमृत है, पर प्राणीनाथ जी महाराज ऐसे अमृत की चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्राणीनाथ जी कहते हैं ज्ञान रूपी अमृत पीना, भक्ति रूपी अमृत पीना, प्रेम रूपी अपने अमृत पीना। इसके लिए कहा इसक सुराई प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाराजा छत्रसाल जी की चौपाई है। सुराई भी प्रेम की है, पीने का रस भी प्रेम का है, पीने का प्याला भी प्रेम का है। आप देखिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये आइसक्रीम बेचने वाले एक प्याला में आइसक्रीम देते हैं ना, प्याला भी खा जाओ अंदर के आइसक्रीम को भी खा जाओ, ऐसे होता है ना। बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, प्याले के साथ ही वो खा जाते हैं। इस तरह से राजी महाराज ने सुराई भी प्रेम का, प्याला भी प्रेम का, पेय पदार्थ भी प्रेम का, और उसको पीने से अंतर आत्मा से आप छक जाते हैं, अलबस्त हो जाते हैं, तृप्त परितृप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानामृत उस वाणी के द्वारा हमें पिलाया जा रहा है, इसलिए हमें वो परम धाम का अमृत पीना है। तभी तो मेर सागर कभी पाठ करते हैं तो अमृत पीने का अनुभव होता है। मूल मिलावे का पाठ कीजिए तभी अमृत पीने का आपको अनुभव होगा। कैसे अनुभव होगा कि कहते हैं न पियो अमीरस हक का नजर, मेर सागर के लास्ट में कहा ना धनी के नज़रों से बरसता हुआ अमृत का पान करो, तो धनी के नज़र से तो यही वाणी बरस रही है ना, इस वाणी रूपी अमृत का हमें आस्वादन करना है। और इस घड़ी को अमृत घड़ी के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में देखिए। लोग 75 साल जीते हैं ना, ऐसे तो जीते हैं 80 साल 100 साल भी कुछ कुछ लोग जी जाते हैं, पर 75 साल जीने के बाद एक उत्सव मनाया जाता है ना अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव तो 75 साल के बाद एक दिन आया ना, उसको इष्ट मित्रों को बुला करके, साथी भाइयों को बुला करके, सबसे शुभकामनाएं ले ले करके, फूल के गुच्छे ले करके, गिफ्ट ले करके हम लोगों ने मनाया अमृत महोत्सव, मैंने मनाया। पर प्राणनाथ जी कहते हैं ये आपका अमृत महोत्सव तो आपकी आयु के हिसाब से निश्चित अमृत महोत्सव है। आपको ये जो राज्य पाने का, राज्य की भक्ति करने का, राज्य के मंदिर जाने का, जैसे आज आप मंदिर में आकर के बैठे हुए हैं ना, आ बेला अमृत घड़ी, ये अमृत पीने की घड़ी है। आप यहाँ करके अमृत का रस पान कर रहे हैं। प्रमोद कहे श्री महाराज, महाराज ठाकुर कहते हैं ये मेरा उपदेश है, ये मेरी शिक्षा है, ये मेरा ज्ञान है। सोचो समझो और जीवन को सन्मार्ग पे ले चलने के लिए प्रयास करो। तो प्राणीनाथ जी ने 14 ग्रंथ में 14 बूंदे अमृत कहिए, 14 घड़ा अमृत कहिए, किसी रूप में भी आप कहिए, वो हमें पीने के लिए ऐसा अवसर दिया हुआ है। तो जब भी हमको मौका मिले हम जरूर प्रणामी समाज में क्या होता है, पूजा पाठ जप ध्यान चितवन, ये 5 सीढ़ी है राज्य तक जाने के लिए, 5 सीढ़ी बताई गई है ना। सबसे पहले हम पूजा करें, प्रातःकाल आवजी बाला से पूजा प्रारंभ करें, सायंकाल बंदो सतगुरु से पूजा प्रारंभ करें, संपूर्ण पूजा करें। और पूजा करने के बाद कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ कुछ लोग पूजा करके ये सोचते हैं कि हमने राज्य को कुछ दिया है। हम पूजा करके राज्य को कुछ दे नहीं रहे हैं, अपने जीवन पद्धति को सुधार रहे हैं।
कभी कभी भोग लगा करके कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके राज्य को भोग धराया तो राज्य को हम कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा सोचा जाता है। पर ऐसी बात नहीं है, हम जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं, जीवन का अर्थ समझ रहे हैं, राज्य को कुछ देने की जरूरत नहीं है, राज्य ही तो सब कुछ दाता है, उनको क्या दिया जाएगा। इसलिए प्रेम से पूजा करके हम पूजा इसलिए करें उनके होने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, उनके होने के लिए हम पूजा करें। और पूजा करने के बाद फिर हम पाठ करें, वाणी का पाठ करें, नित्य पाठ करें, पाठ जरूर हम लोग करें। पाठ करने के बाद फिर महामंत्र निज नाम का हम जप करें, 5 बार करें, ज़्यादा समय है तो 21 बार करें, 108 बार करें, पर कम से कम 5 बार तो हमें करना ही है। सुबह भी शाम भी 5 बार करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा जो 108 बार करने का फल है। इसीलिए जप हमें जरूर करना है, क्योंकि जपात सिद्धि न संशय, हमारे शास्त्र कहते हैं जप से ही हमें सिद्धि मिल जाती है। पूजा पाठ जब उसके बाद हम ध्यान करें, और हमारा ध्यान कोई शून्य का ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कोई ज्योति का ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कोई शरीर का ध्यान नहीं है। देखिए ध्यान कराने वाले बहुत सारे संप्रदाय में क्या किया जाता है, आपको लेटा दिया जाता है और आंखें बंद करके आपके शरीर का ही ध्यान कराया जाता है। आप अपने पाँव को याद करिए और घुटन को याद करिए, उंगलियों को याद करिए, आप अपने पेट को याद करिए, छाती को याद करिए, छाती धड़क रही है, गले को याद करिए, और मुख में जो जो अंग हैं सिर को याद करिए, सिर से फिर पाँव तक याद करते जाइए। शरीर का ध्यान, हमारा ध्यान शरीर का ध्यान नहीं। उसमें बहुत सारे योग निद्रा में सो जाते हैं, ध्यान का आनंद लेते हैं, उनको उतना ही ज्ञान है। फिर कुछ लोग श्वास का ध्यान कराते हैं, देखिए बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं, आपको बिठा देंगे, अपने श्वास को देखते रहो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसी का ध्यान किया करो, श्वास से ही सब कुछ होता है, उसका ध्यान करो, ऐसा करके भी बताया गया है। पर हमें बताया गया श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आव न होए न होए। फिर कुछ लोग देखिए शून्य का ध्यान करो, शून्य से आत्मा आई है इसलिए शून्य का ध्यान करो, पर शून्य तो कुछ नहीं है ना, जीरो को शून्य कहा जाता है। जीरो का ध्यान हम कैसे करेंगे, जो कुछ है नहीं उसका हम कैसे ध्यान करेंगे, और कैसे उसमें ध्यान में अपने मन को 1 घंटा 2 घंटा हम टिका करके रखेंगे। 1 मिनट भी तो जीरो में मन नहीं टिकता है, और जीरो हमको अच्छा भी नहीं लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं ज्योति का ध्यान करो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है इसलिए आप ज्योति का ध्यान करो, वो परम ज्योति है। गीता में भी कहा ना ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्योति का हम ध्यान करें, पर ज्योति का ध्यान करते करते हमारा मन कहता है ये ज्योति कहाँ से आ रही है, किसकी ज्योति है, ज्योति कहाँ से निकल रही है। अगर इसकी तलाश में हम जाएंगे तो वही साक्षात श्री राज जी महाराज होंगे, जो नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, ऐसे स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना को नूर जमाल, फेर महबूब जियावत हृदय की आकिन्ने तेरा कौल फैले हाल। तो ऐसे श्री राज जी हमारे ध्यान में आएंगे। हमारा ध्यान है सच्चिदानंद ब्रह्म का, जो सत चिद और आनंद गुण से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका हम ध्यान करते हैं, और ध्यान करके अपने जीवन में सत चिद और आनंद को उतारने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो बिजली में जो शक्ति है बैटरी में उतर आती है ना, ऐसे ही आप ध्यान करेंगे तो राज्य में जो सच्चिद आनंद है आपके जीवन में उतर आएंगे। इसलिए आप ध्यान जरूर करें, मूल मिलावा का ध्यान करें, राजश्याम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। उसके बाद एक और श्रेणी है चित्वनी कहा जाता है, वो 25 पक्ष परम धाम में मन को दौड़ाना, क्योंकि श्री जी ने कहा ना फिरतूं पक्क 25 में बलवंता बेसुमार, हे मन तेरे को चक्कर काटना है तो परम धाम के 25 पक्ष में चक्कर काट। तो ये क्रम हमारी पद्धति है, जितना हो सके उतना करें, पर एक चीज़ है कि राज्य में विश्वास जरूर रखें।
सोते जागते उठते बैठते खाते पीते राज्य में विश्वास जरूर रखें। संपूर्ण विधि विधान हम पालन नहीं कर सके तो एक ही विधान हम पालन करें कि राज्य में अटल विश्वास है। ये विश्वास कभी डामाडोल नहीं होगा, कोई आकर के हमारे विश्वास को हिलाएगा नहीं। हम अडिग होकर के राज्य में लगे रहेंगे और 400 साल की हमारी परंपरा से कभी हम वंचित नहीं होंगे। 400 साल का जो हमारा धर्म चला आ रहा है, मात्र 400 साल का नहीं, 5000 साल पहले हम ब्रज रास को लेकर के चलेंगे तो 5000 साल से जो चला आ रहा है, मात्र 5000 नहीं, अनादि काल से अनादि अक्षरादित का जो धर्म चलते आ रहा है उसके हम अनुयायी हैं। उसी में हम अटल रूप से टिके रहेंगे और अडिग होकर के टिके रहेंगे। हमारा आत्मदीप ऐसे जलता रहेगा कि कितने हवा और झंझावातें क्यों न आ जाएं, हमारी आत्मदीप की ज्योति कभी बुझेगी नहीं, ना इधर उधर हिलेगी। कहते हैं ना कि न आ रहा है इसका, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, हवा चलती रहेगी, दिया जलता रहेगा। ऐसे आत्मा ज्योति को हम लोग जगाते रहें और परम धाम की प्राप्ति के लिए सदा सदा प्रयत्नशील बने रहें। तो ये प्रवचन तो जितना लंबा करो लंबा होता ही जाता है, पर मैं बहुत लंबा भी करना नहीं चाहूँगा। आज आप सबके बीच आ करके पुनः मिलने का, क्योंकि मैं इसी रूट से जा रहा था जामनगर में, जो नौतनपुरी धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन 10 तारीख उसका शिलान्यास है। तो पूज्य आचार्य महाराज श्री ने कहा कि सभी संतों को आना चाहिए, तो प्रणामी समाज के प्राय सभी संत और सुंदर साथ भी वहाँ पर नौतनपुरी धाम में पहुँच रहे हैं और हमें भी उसी कार्यक्रम में पहुँचना था। तो मैंने मुंबई आकर के विचार किया कि यहाँ पर तो वडोदरा में शिविर भी किया था एक बार, जागनी यात्रा भी लेकर के आए, बीच बीच में दर्शन करने भी आए, और 50% सुंदर साथ को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, उनको खुद को परिचय देना नहीं पड़ता, नाम कभी कभी भूल जाते हैं, पर चेहरा देखते ही मुझे पता लग जाता है कि ये वडोदरा के सुंदर साथ हैं, धर्म प्रेमी सुंदर साथ हैं, और नए भी जुड़े हुए हैं जी, जाने न जाने फिर भी सुंदर साथ। तो श्यामा जी नांग सुंदर साथ, हमारे राज श्यामा के सुंदर साथ तो हैं सभी। तो आप सबके दर्शन करते हुए यहाँ से निकलें और वो एक बार शिविर हुआ था तो उसका फिर से ताजगी आ जाए। फिर मैंने राजकोट में भी एक बार शिविर किया था, तो कल रात्रि को राजकोट में उन सुंदर साथ के बीच बैठने का विचार है, सत्संग करने का विचार है, उसके बाद हम लोग जामनगर जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे सुंदर साथ कालिम्पोंग आए हुए हैं, जैसे यहाँ कुछ सेवा के क्षेत्र आप संभाल रहे हैं, हम लोग भी कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी की कृपा से उनके द्वारा स्थापित स्कूल है, वहाँ पर हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, बच्चों का आश्रम है, गुरुकुल है, गौशाला है, आदि आदि सेवा के क्षेत्र हैं, उन्हीं को संभालने में व्यस्त होते हैं। और मुझे गुजरात की तरफ आने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि उस क्षेत्र में आसाम में सिक्किम में बंगाल में नेपाल में उस क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, और विदेशों में भी हमारे 11 देश में प्रणामी रहते हैं, तो उनका भी एक नेटवर्क मैं चलाता हूँ। और सुबह सुबह 7 बजे वाणी चर्चा मैं 4 साल से चला रहा हूँ, प्रतिदिन सुबह 7 बजे YouTube में प्रणामी मीडिया से हम लोग वाणी चर्चा प्रस्तुत करते हैं, और वाणी के अधिकांश ग्रंथों की चर्चा हो चुकी है। किरंतन को लास्ट में मैंने बचा करके रखा था, उसकी चर्चा भी अभी चल ही रही है। तो इस प्रकार से फिर 2 पत्रिकाएं, एक सिलीगुड़ी से राजविद्या पत्रिका, एक दिल्ली से प्रणामी विश्व पत्रिका का प्रकाशन भी करते हैं, उसमें भी व्यस्त रहते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में प्राणीनाथ जी पे रिसर्च करने वाले स्टूडेंट जब निकलते हैं तो वहाँ पर सेमिनार भी हम लोग करते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ के प्रोफेसरों को लेकर के। ऐसे धर्म प्रचार का जो जो कार्य राज्य हमें निर्देश करते हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग भी यही कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी यही कार्य कर रहे हैं, हम सब मिल करके यही एक उद्देश्य रखते हैं कि प्राणीनाथ जी की वाणी को विश्व जाने, विश्व पहचाने, और विश्व प्राणीनाथ जी महाराज को समझे कि कितने बड़े एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने आकर के विश्व एकता के लिए काम किया, ये सब लोग जाने पहचाने, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को फिर से
प्रणाम करते हुए और आप सब छोटी सी सूचन हमें यहाँ पर उपस्थित हुए सभी को साधुवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को ये विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, प्रणाम।